तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। दूर से अजमेर में घूमने के लिए आए थे और आते रहते हैं। जो चीज पीक पॉइंट यहाँ पे जो अजमेर आई लव यू लिखा हुआ है तो ये बहुत फेम है, दुनिया अजमेर से बहुत प्यार करती है। लेकिन क्या है कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये टूटा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि सब लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस अजमेर शहर के लिए प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करावे और अति सुंदर बनावे, इस अजमेर शहर को स्वच्छ बनावे ताकि लोग घूमने आवे, अजमेर से प्यार करें। ये मेरा कहना है। अभी क्या स्थिति हो रही है इसकी? अभी ये टूटा हुआ है तो ये बहुत, इसलिए हमारे अजमेर की भी शान जाती है इससे। कोई बाहर से आता है तो ये सोचता है कि देखो ये टूटा हुआ है, तो इससे हमारे को बहुत तकलीफ होती है। आपका नाम? मेरा नाम चेतन पारिक है और नसराबाद तहसील में हमारा गांव न्यारा है। प्रशासन एक तरफ तो स्मार्ट सिटी को लेके बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम स्मार्ट सिटी के तहत ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन एक ये छोटा सा पाथवे यहाँ पे आना सागर चौपाटी के किनारे जो बनाया है, यहाँ जो प्रशासन ने सेल्फी पॉइंट बनाया आई लव अजमेर, इसको असामाजिक तत्वों द्वारा इसको तोड़ दिया गया है। अब टूटे बाद भी लोगों को इसको मतलब पता नहीं क्या है, टूटे हुए के साथ भी इसकी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ के इसकी फ़ोटो खिंचाते हैं। प्रशासन को मीडिया के माध्यम से पहले भी अवगत करा चुके हैं कि इस और ध्यान दें, इसको रिपेयर कराया जाए। यहाँ से बाहर से जायरीन आते हैं, अजमेर का काफ़ी अच्छा नाम है, गौरव पथ पे आना सागर के किनारे काफ़ी लोग घूमने आते हैं, वो इसके साथ सेल्फी लेते हैं, लेकिन ये एक टूटा हुआ जिसके साथ वो सेल्फी लेते हैं, इससे हमारे शहर के लिए काफ़ी गलत मैसेज जाता है। प्रशासन स्मार्ट सिटी के लेके जो दावे कर रहा है और इस और ध्यान दे कि जो ये आई लव अजमेर बनाया गया है, इसके जो टूट गया है इसको तुरंत प्रभाव से रिपेयर कराया जाए। लगता है एक तरह शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है और छोटी चीज़ को सही नहीं कर पा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए भी कि प्रशासन स्मार्ट सिटी को लेके काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी टूटी हुई रिपेयरिंग है इसको पूर्णतः करा नहीं पा रहा है। या तो इसको प्लास्टिक का हटा के पूरा इसको वाइट पत्थर का या संगमरमर पत्थर का बना दिया जाए ताकि इस प्रकार डैमेज नहीं हो। पहले भी ये डैमेज हुआ था, इसको मीडिया द्वारा दिखाया गया था तो इसको रिपेयर करा दिया गया था, लेकिन ये वापस अभी डैमेज हो चुका है। राहुल यादव। और अच्छा लगता है और सबसे पहले तो प्रशासन और अपने सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अजमेर को पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ पर्यटन, सौंदर्य विकास सारे काम दिए हैं, लेकिन समस्या क्या है कि आज जो इतने काम आपने करवा दिए हैं उनको आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। आप ये कह दो सब असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, आप ये कहते हैं सब उसने तोड़ दिया। अजी साहब ठीक है, मैं मानता हूँ हो सकता है हम जैसे नहीं किसी ने तोड़ा हो, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी हो कि इन पर ध्यान दें, इनकी मेंटेनेंस करें। इसको बनाने में लाखों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है ये। और जब हम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अगर गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती है तो इस तरह के खर्चे मेरे हिसाब से तो सरकार को नहीं करने चाहिए। वो सरकार यहाँ गार्ड भी होनी चाहिए। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ गार्ड रखें या किसी भी तरह की विजिलेंस रखें। जो आप खर्चे कर रहे हैं, आपने पृथ्वीराज स्मारक बनाया, ये बनाया, पाथवे बनाया, गौरव पथ बनाया, सब कुछ बनाया, अच्छा किया आपने, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन इनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आम जनता को भी आप जागरूक करो, आम जनता को कहीं इसके लिए आपको थोड़ा बहुत किसी तरह से पनिश भी करना पड़े तो आप करें, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। आप खुद जागरूक होंगे तो हम लोगों को जागरूक करेंगे। आप इसका इस तरह से बनाते हैं, कहते हैं साहब पहले इसको रिपेयर भी कर लिया, वापस टूट गया, तो आप पहले से इन्वेस्टमेंट इस तरह से करो ना कि जिसमें आपका खर्चा नहीं हो और वो लॉन्ग टर्म चले। आप लोग इस ऐसी स्थिति में बैठे हैं, आप लोगों के पास एक से एक बढ़कर के सलाहकार बैठे हैं, आप बड़ी बड़ी कमिटीज़ को लेकर के इन चीज़ों को डेवलप करवाते हैं, आप इन चीज़ों को बनवाते हैं, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और इसको मेंटेन कीजिए। आज जो बनाते हैं उसको मेंटेन ज़रूर करें। आपका परिचय? मनीष शर्मा।